सबको जय शु। मेरा नाम जस्सी है। मैं यहाँ पे मध्यस्थ प्रार्थना करने आई थी, मतलब इधर मध्यस्थ प्रार्थना करने से पहले मैं मेरी बहन के साथ आई थी। उसकी कैसी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसके साथ आई थी कि उसको कैसी, जैसे आप लोग आए हो ना कि जीजस के पास, कुछ आशा लेके आए थे तो मैं भी मेरी बहन के लिए आशा लेकर आई थी कि नहीं वो इधर आएगी तो कैसा जीजस के पास रहेगी तो ठीक हो जाएगी। तो उसके साथ मैं आई तो थी पर मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि इधर मैं आऊँ। मैं कैसे, मैं इधर आना नहीं चाहती थी। मैं चाहती, मतलब उसको भेजना तो चाहती थी पर मैं खुद नहीं आना चाहती थी कि कैसे प्रेयर करना, ये सब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी लाइफ ऐसी थी कि मेरे को घर में ज़्यादा रहना पसंद था, घर में भी सिर्फ एक रूम में, कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से मतलब फैमिली से भी उतना क्लोज मैं नहीं थी। तो जब मेरी दीदी को तबीयत ख़राब हुई उसको यहाँ लेकर आए तो मैं उसके साथ आई, आई इधर रही। इधर भी रहना मुझे पसंद नहीं था। जैसे आप लोग रिट्रीट अटेंड कर रहे हो ना 3 दिन का, तो मुझे बोला गया था कि तुम भी अटेंड करो। मैं नहीं चाहती थी कि करना पर उसकी वजह से, दीदी की वजह से मेरे को करना पड़ा था। तो मैं इधर आके अटेंड की, 3 दिन बैठी। पहले दिन मुझे बिल्कुल नींद आ रही थी, बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं थी इधर, ऐसा लग रहा था कब घर भाग जाओ। फिर भी मैं यहाँ पे थी। अब दीदी है मेरी बड़ी बहन, तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसकी वजह से यहाँ रुक गई थी। नहीं बा, मेरी बहन है तो मुझे रुकना चाहिए, तो मैं रुकी। दूसरे दिन फिर से अटेंड करने के लिए आई, तो आई कैसा, दोपहर तक तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब आराधना हुआ पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं पूरी रोने लग गई। मुझे न क्या इतना बुरा फील हो रहा था, नहीं मेरी बहन है, मुझे उसके लिए इतना ये दुख हो रहा था कि नहीं वो मेरी बहन होके भी मैं उसके साथ यहाँ पे साथ नहीं दे रही, मैं यहाँ रुकना नहीं चाह रही। और मैं उससे इतना चिढ़ गई थी कि मेरे से हो रहा ही नहीं था कि ये करूँ। फिर मैं इतना रोई, मैं जीजस यहाँ पे आराधना था रख के था ऐसा, तो मैं ना इतना रोना आ रहा था मुझको, नहीं मैं गलत कर रही हूँ। तो इतना ऐसा कि मैं रो रो के पूरा नीचे ही बैठ गई थी। फिर भी मैं यहाँ पे आई, फिर भी बैठी, मैं रोई रोई फिर शांत हुई। फिर मैंने ना जीजस से माफ़ी मांगी, नहीं जीजस मेरी बहन है मुझे रुकना चाहिए। मैं रुकी, फिर धीरे 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 प्रेयर करती गई, प्रेयर करती गई। फिर ने क्या, जीजस से कनेक्ट हुई। कनेक्ट होते होते फर्स्ट टाइम जब मेरी अत्ते जो लाई थी ना मुझे, तो वो मुझे बाइबल दी थी रीडिंग करने के लिए मिस्सा में, तो मैंने उन्हें 3 बार इनकार कर दी बाइबल को। जीजस को मैंने इनकार की थी 3 बार, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। इतना गुस्सा मुझ में था कि मैं बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो, मैं नहीं पढ़ना चाहती, आप खुद जाके पढ़ लो। फिर 4थी बार जब सिस्टर रोज आई थी मेरे पास, नहीं तुम पढ़ो, फिर मैंने क्या, अब उन्हें तो बोल नहीं सकती ना कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तो मैंने ना पढ़ी तो ऐसा लगा कि मैं बता नहीं सकती। वो मुझे गुस्सा तो आ रहा था पर जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मेरा गुस्सा पूरा शांत हो गया। ऐसा शांत हुआ, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं किसी पे गुस्सा करके आई हूँ, ऐसा वचन मैं वो पढ़ रही थी। जबकि मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो भी मैंने वो बाइबल खोल के उसको पढ़ी हूँ। जब मैं उसे पढ़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था मैं किसको इनकार कर दूँ, मेरे हाथ में क्या ऐसे ऐसे हो रहे थे जब मैं उसको पढ़ते जा रही थी। तो वो तो फिर उसके बाद धीरे धीरे, और फिर एक दो दिन बीतते गया। मैं पहले फ़ोन बहुत ज़्यादा देखती थी, इतना कि 24 घंटे, मेरे को नींद का तो कोई होश ही नहीं रहता था, दिन भर फ़ोन फ़ोन फ़ोन। घर का काम भी बोले तो थोड़ा बहुत खाना बना लेती थी, थोड़ा जो साफ़ सफाई रहता वो कर लेती थी, बाकी का कुछ नहीं, बस फ़ोन ले लेती थी, बेड पर जाती थी बैठ जाती थी। अब घर में कोई नहीं था बोलने वाला, सब बाहर रहते थे, बहन गिन जो थे तो वो बाहर ही रहते थे ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर, तो मैं अकेली, तो अभी कोई बोलता नहीं था, कोई डांटता नहीं था, तो फ़ोन लेके बैठ के पूरा देखना ये करना। फिर वैसे इधर जब आई, इधर भी फ़ोन देखती थी, फिर बाद में रूल बन गया था इधर, और रूल था कि 8 बजे से 9 बजे तक देखने का फ़ोन, उसके बाद बंद। तो ऐसे रूल अभी था तो फॉलो करना था मुझको। अब मैं बोल नहीं सकती थी इधर, क्योंकि मैं इधर नहीं आई थी, और किसको बोलूँगी, सिस्टर फादर को मैं बोल नहीं सकती थी। तो मैं यहाँ आई, वो फ़ोन फिर बाद में धीरे धीरे करके ऐसा छूट गया कि मैं अभी वो फ़ोन हाथ में लेती भी नहीं हूँ, उसकी जगह मैं बाइबल हाथ में लेती हूँ, जबकि मुझे वो बाइबल पढ़ना भी पसंद नहीं था।
एक शब्द में पढ़ने जाती थी ना, क्या पढ़ रही हूँ, बोर, ऐसा नींद आ जाती थी कि वो बाइबल में साइड में रख देती थी। फिर भी फिर ऐसे करते धीरे धीरे करते 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 ऐसी पकड़ी हूँ कि अभी वो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। रात में भी अगर घर एक दिन के लिए भी कहीं जाऊँगी ना, उसको लेके जाती हूँ मैं, नहीं मैं इसको लेके नहीं गई तो फिर मेरा क्या होगा। उसको मैं वो बात जब इनकार की ना, वो अभी भी मुझे याद आता है कि मैंने इसको कैसे इनकार की, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई थी, मेरी बहन की भी लाइफ चेंज हुई थी। जब मैं ये पढ़ती हूँ ना अभी, ऐसा लगता है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ती हूँ, ईश्वर मेरे से, मतलब ऐसी पढ़ती हूँ ना ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे से बात कर रहा है, नहीं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। वो बार इधर मिस्सा चालू था, मैं भी आप लोगों की तरह बैठ के थी, ऐसी मैं सामने बैठ के थी, यहाँ पे कोई फादर आए थे मिस्सा डालने, तो मैं ना इसकी तरह ऐसी बैठ के थी, सेम इसकी तरह, अपन पैर ऊपर था, एक एक के ऊपर एक पैर रख के बैठ के थी इधर, तो फादर ने मुझे देख लिए थे कि मैं बैठ के हूँ, तो वो फादर ने ना सिस्टर को जाके बताया कि ये लड़की ऐसी बैठ के है इधर, तो सिस्टर मुझे बोलती है बेटा ऐसे नहीं बैठना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो पुरोहित आते वो खड़े नहीं रहते, जीजस खड़े होते इधर। तो तब वो मेरे को लग गया था कि नहीं ये सच है कि जब वो आते हैं तो उनके जरिए जीजस रहते हैं वो है बोल के, तो मैं ना सोचने में लग गई, वो सोचती गई तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं मुझे ऐसा नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने तब से ठानी नहीं कुछ भी हो जाए, मेरा पैर दुखे कुछ भी हो जाए, जब खड़े होना है तो मैं खड़ी होंगी, जब बैठना है मैं बैठूंगी, जैसा बैठना है ढंग से वैसे ही बैठूंगी। अभी भी मेरे को चिढ़ लगता था, मतलब कैसे लगता है ना कभी कभी, क्या रूल है ऐसे बैठो वैसे बैठो, फिर भी मैं बोलती नहीं अगर बैठना है तो अच्छे से बैठूंगी, वो भी मिस्से में पूरे ध्यान से ये करूंगी, क्योंकि मैं मिस्से में भी पहले जाती तो थी चर्च, कैसे अभी मम्मी पापा लेके जाते थे ना खींच के बच्चे को, नहीं चल तू बोल के, वैसे मुझे लेके जाते थे चर्च में, तो मैं ना जाती थी सिर्फ बैठ जाती थी ऐसी, ना ही उठती थी बैठती थी, बिल्कुल जैसी कि वैसी फूल के बैठती थी, क्योंकि मैं नाराज रहती थी ना, मेरे को खींच के ज़बरदस्ती लेके गए, क्यों लेके गए मुझको चर्च में, उधर जाके मैं क्या करूँगी, जीजस से तो बात करनी है, मैं घर में भी कर सकती हूँ, ये सोचती थी मैं। पर फिर ऐसा मम्मी लेके जाती थी, पर जब इधर आई इधर बैठी ना, तब याद आया नहीं मैं कितनी बड़ी गलती करके बैठी उधर। और जब वो अपन पाप स्वीकार करने जाते थे ना, तो मैं मतलब जब हुआ था ना फर्स्ट होने कॉल में, तो मैं कैसा मन से उतना ये नहीं था, सिर्फ हाँ करना है क्रिश्चियन है, सिर्फ इतना ही सोचती थी हाँ करना है, अभी कैसे धर्म है तो पूरा पालन तो करना पड़ता है ना, तो मैं यही सोचती थी हाँ सिर्फ यही है, रोटी लेना है ठीक है रोटी लेना है, पर उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। पर जब मैं इधर आई इधर रही तब मैं जान पाई नहीं कि ये ऐसा है, मेरे को मिस्से का भी मतलब उतना पता नहीं था, कोई नहीं था बताने के लिए, पर जब इधर आई इधर सब बताया गया कि कैसा रहना कैसा है क्या करना, मिस्से का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ आके जानी हूँ, फिर तब से मैं सोची नहीं मुझे अपने लाइफ में चेंज चाहिए, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मैं जीजस की बेटी हूँ तो मैं उसकी तरह ही रहूँगी। तो फिर मैं इधर आई, चेंज हुई सब धीरे 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 करके, सब चेंज हो गया, मेरा फ़ोन छूटा, मैं सब अच्छे से सबसे अभी बात भी करती हूँ, नहीं तो मैं मतलब सामने आते बेटा कैसे पूछते थे ना, मैं मुंह फेरा के चले जाती थी, मुझे बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं होती थी, जैसे कैसे एटीट्यूड रहता था ना मुझ में बहुत था। पर इधर आई ना वो सब निकल गया, ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वो, जब मैं पास याद करती ना नहीं उससे ज़्यादा ये लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, जब मैं जीजस में कनेक्ट हुई ना नहीं लगा मुझे कि करना चाहिए, तो कि और आज मुझे फादर बोले थे साक्ष्य देना है, मैं बोली मैं क्या दूंगी, मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था कि क्या देना है कैसे देना है। फिर गई तो पहले तो मैं मना कर दी, फिर मेरी बहन ने डांटी मुझे ऐसे कैसे मना कर सकती है तू, तुझे जाके बोलना चाहिए। तब मैं आई फादर को बोली फादर मुझे बोलना है, तो फादर ने बोले ठीक है 10 मिनट देता हूँ कर बोले। तो मैं आई हूँ इधर, आपने तो अभी देखा ये कैसी अटकी, फिर मैं सोची अटकने से अच्छा मैं जीजस में बोली, अभी जीजस मुझे यहाँ बोलना है, मेरे जरिए आप बोलिए, मेरे को नहीं पता क्या बोलना है। फिर मैं इधर आई, फिर ने कहा अभी जो बोली आपने सुन लिया ना, तो वही था इतना ही, उससे अलावा कुछ नहीं बात। पिछले दिनों में दूसरी दोनों दीदी लोग साक्षी दिया था, इनको मौका नहीं मिला था, अभी ईश्वर ने सोचा इसको भी थोड़ा मौका देना चाहिए, कैसा अभी मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, इधर प्रार्थना करते हैं, उधर प्रभु का सेवा करते हैं,
और डिवाइन वचन आश्रम का और सारे शिविर में सब कुछ बहुत सहायता करते हैं। ईश्वर ने लाया, ये हम तो नहीं लाया, लेकिन ईश्वर को इधर प्रभु का सेवा करने के लिए, मध्यस्थ करने के लिए बहुत लोगों को जरूरत है। वो अगर आपको सोचते ईश्वर बुलाते हैं आपको आ सकते। इधर दूसरा पोली भैया भाई आते हैं, वो भी इधर प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, वो प्रवचन भी करते।